छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नाम नहीं के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में तीन खंड आते हैं। पहला खंड है सतना पन्ना रेल मार्ग, दूसरा खंड है सतना रीवा रेल दोहरीकरण और तीसरा खंड है रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग। आपको बताते चले कि इस रेल मार्ग में नौकरी वाला जो मुद्दा है, जो कि आप जानते होंगे, बताया गया था भारतीय रेलवे ने कि हम 11 नवंबर 2019 तक के पात्र किसानों को नौकरी देंगे। उसके बाद भारतीय रेलवे ने बहुत से लोगों को नौकरी दी, लेकिन बहुत से लोग बाकी भी हैं। यानी कि अगर एक रेशियो माना जाए तो 50% लोगों को नौकरी दे दी गई और 50% लोग आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी की आस में बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका मेडिकल और एसआर फॉर्म भी भरवाया जा चुका है और उनको अभी तक रेलवे की तरफ से नौकरी नहीं दी गई। इंतजार करते करते लोगों की आंखें भूड़ी हो गई, लेकिन भारतीय रेलवे ने नौकरी नहीं दी। लोग इंतजार कर रहे थे कि हमको नौकरी के लिए बुलाया जाएगा, जिनका मेडिकल हो गया, जिनका एसआर हो गया, उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे। ना पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर से कोई जानकारी दी जा रही थी, ना ही भारतीय रेलवे से कोई जानकारी दी जा रही थी, और ना ही जनप्रतिनिधि भी असमर्थ थे नौकरी वाले मुद्दे की जानकारी देने के लिए। उसके बाद भारतीय रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि हम नौकरी देने की जो नीति है उसको वापस लेते हैं। नौकरी के बदले हम उम्मीदवारों को नौकरी के बदले 5 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि देंगे। आपको बताते चले, नौकरी न मिलने के वजह से किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में किसान उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनको नौकरी दी जाएगी। आपको बताते चले कि आज है 19 अप्रैल 2023। आज पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के तरफ से एक प्रेस रिलीज कर दिया गया है। आपको बताते चले, जो प्रेस रिलीज किया गया है वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो जानकारी आई है वो जानकारी थोड़ा सा आपको अच्छी नहीं लगेगी। जो जानकारी आई है वो जानकारी आई है रीवा सतना रेल दोहरीकरण में नौकरी वाली जानकारी आई है। एक अच्छी जानकारी है, एक बुरी जानकारी है। तो सबसे पहले बुरी जानकारी आपको बता देते हैं। आपको बताते चले, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के तरफ से आज के दिन एक प्रेस रिलीज किया गया, 18 अप्रैल 2023 को, माफ कीजिएगा, कल रिलीज किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि सतना रीवा रेल दोहरीकरण रेल लाइन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के भूमि अधिग्रहण के प्रभावित आश्रितों की नियुक्ति हेतु जारी अधिसूचना जारी की गई थी 25 मार्च 2023 को। इस सूचना को वापस लिया जा रहा है। यानी कि जो कहा गया था 25 मार्च 2021 में जो आदेश निकाला गया था कि सतना रीवा रेल दोहरीकरण परियोजना के सकरिया एवं बिरौली ग्राम के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूस्वामी आश्रितों से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। उपरोक्त दिशा निर्देश 5 मार्च 2021 संदर्भित पत्र क्रमांक 1 को संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा वापस ले लिया गया है। परिणाम स्वरूप दिशा निर्देश दिनांक 5 मार्च 2021 वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। यानी कि जो आदेश दिया गया था नियुक्ति देने वाला, वो वापस ले लिया गया है। और रेलवे की तरफ से ये बताया गया कि किसी भी रेल परियोजना में, यानी कि जो रेल दोहरीकरण होते हैं, उसमें नौकरी नहीं दी जाती है। इस वजह से अब सतना रीवा रेल दोहरीकरण के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इस मुद्दे पर पश्चिम मध्य रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। आइए हम दिखाते हैं आपको पहले आदेश। इनके अलावा आपको बताते चलें, सतना पन्ना रेल मार्ग और रीवा सीधी रेल मार्ग में नौकरी वाला मैटर क्या है। आपको बताते चलें कि आज के दिन, यानी कि आज है 19 अप्रैल 2023, आज के दिन गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में पश्चिम मध्य रेलवे के एडीएम आए थे, जो किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे उनको आश्वासन देने के लिए आए थे।
किसानों ने जब उनसे मांग की कि हमको नौकरी दी जाए, तो ऐसे में एडीएम के तरफ से बहुत बड़ी जानकारी दी गई। उनके तरफ से ये बोला गया कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी और आप लोगों को जो नौकरी है वो बरसात के पहले तक दे दी जाएगी, यानी कि जुलाई अगस्त के महीने से नौकरी देना शुरू हो जाएगा, ऐसा एडीएम के द्वारा बताया गया। किसानों के द्वारा भी यही बात बोली गई कि एडीएम साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि बरसात के मौसम में यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास जो पात्र किसान हैं उनको नियुक्ति देना भारतीय रेलवे शुरू करेगा। ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि रेलवे ने जो अधिसूचना जारी की थी, नौकरी वाली नीति वापस ली थी, इसमें यह बताया गया था कि 500 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम मध्य रेलवे से रीवा में दी गई थी मुआवजा बांटने के लिए, यानी कि नौकरी के बदले 5 लाख रुपए देने थे और इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन रीवा सीधी जिले के जो किसान थे उन्होंने इस राशि को नहीं लिया। जब राशि को नहीं लिया तो इस राशि को यानी कि 500 करोड़ रुपए की जो राशि रीवा में दी गई थी किसानों को देने के लिए, उस राशि को वापस कर दिया गया है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को, और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर उस राशि को वापस करेगा रेल मंत्रालय में। ये बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं। इसमें सबसे अच्छी जो बात ये लगी है कि एडीएम साहब ने कहा है कि किसानों को नौकरी दी जाएगी। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में जो पात्र किसान हैं वो हमारे सीधी सिंगरौली की जो माननीय सांसद हैं आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, उनके पास भी गए थे। रीति पाठक जी ने भी यही बात कही है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि परेशान ना होइए, सभी को नौकरी मिलेगी। मोदी जी रीवा आ रहे हैं 24 अप्रैल 2023 को। मैं व्यक्तिगत उनसे निवेदन करूंगी कि हमारे पात्र किसानों को रोजगार दिया जाए। उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी जी आएंगे और ऐसे में हमारे विंद को कई सारी सौगातें मिलेंगी, यानी कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के जो हमारे किसान हैं उन किसानों के चेहरों में खुशी आएगी, उनको नौकरी देने की घोषणा भी मोदी जी कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि मोदी जी का पूरा प्रोग्राम SAF ग्राउंड में किया जा रहा है, तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पहले यह था कि मोदी जी रेलवे स्टेशन में आकर हरी झंडी दिखाते ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को, रीवा तिवारी ट्रेन को, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो वर्चुअल माध्यम से SAF ग्राउंड में ही हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअल माध्यम से, और छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बताते चलें कि रीवा रेलवे स्टेशन में आज GM साहब का आगमन होना था, लेकिन किसी कारणवश आज वो नहीं आ पाए, वो कल आएंगे रीवा रेलवे स्टेशन, और कल वंदे भारत जो कंसेप्ट चल रहा है ये भी कल क्लियर होगा। तो फिलहाल ये वाली जानकारी हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप ये वाली जानकारी सुनिए रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना की, और आपको बताते चलें कि हमारे विंध के लोगों को नौकरी दी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेढ़ डेढ़ एकड़ जमीन गई है, उस समय मुआवजा भी कम दिया गया था, अब बेचारों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसे में वो किसान कहाँ जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास सिर्फ एकमात्र सहारा ही होता है वो होती है जमीन, और जब जमीन ले ली गई तो नौकरी तो देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आज सुनने को आई है और आप सभी के आगे हम साझा कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि हम भी भाई विंध के ही हैं, जब हमारे अपने ही हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरे क्या हमको सपोर्ट करेंगे, तो आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी और बड़ा हो, हमारी आवाज़ और मजबूत हो, क्योंकि लगातार 2-2.5 साल से जब से रेल परियोजना बनना शुरू हुई है, जब से YouTube का ज़माना तेज हुआ है, तब से हम ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं, और हमारे चैनल पर आपको पता ही है 100% सटीक जानकारी देखने को मिलती है, और आपको बहुत ही जल्द हम लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं, और किसानों का जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं वो भी आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे, कितना क्या काम हुआ लाइव वीडियो दिखाएंगे बहुत ही जल्द आप सभी को। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।